हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों के सिक्स सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं, सेकेंड पेपर में मेरे भाई एक यूनिवर्सिटीज है जहां का पेपर मेरे भाई हो चुका था, तो हमने उस पेपर को उठाया है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सबको इस पेपर में सॉल्व कर दिया है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट हम यहाँ पर डाल देंगे मेरे भाई। ये एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो यहाँ पर सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है, देख डालो, प्रैक्टिस कर डालो, जाके गोले रंग आना भाई, काम चल जाएगा भाई, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेकंड पेपर, अपना सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, नॉट गेट इज यूज्ड इन, तो रेगुलेटर की तरीके से हम लोग नॉट गेट को इस्तेमाल करते हैं। ट्वेल्थ क्लास में अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सब आपने सुन रखे हैं। मिला देते हैं तो यूनिवर्सल गेट बन जाते हैं, ठीक है, नॉर गेट, नैंड गेट, बल्कि हम चाह रहे हैं पूरा आज ही शायद आपको एक वीडियो मिल जाए गेट के ऊपर, एक डिटेल में वीडियो बना देंगे ट्रुथ टेबल वगैरह के साथ में कि किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो नॉट गेट को एज अ रेगुलेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। द कंडक्टिविटी इन सेमी कंडक्टर इज गिवन, भाई कंडक्टिविटी मतलब चालकता, तो जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को किस तरीके से लिखते हैं, तो फार्मूला होता है सिग्मा बराबर एन ई म्यू ई प्लस का पी ई इंटू म्यू एन मेरे भाई, ठीक है। तो ये फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए। वॉट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी बी डी अनुगमन वेग हिंदी में कहा करते थे हम लोग, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मोबिलिटी मतलब कितनी आसानी से चीजें होती हैं उसे मोबिलिटी कहते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू होता है BD अपॉन E। What is the band gap in SI? सिलिकॉन के लिए बैंड गैप कितना होता है, 1.1। कई बार ऑब्जेक्टिव में केवल 1.1 लिखा होगा तब भी आप टिक कर देना, कई बार 1.12 लिख के आएगा तब भी आप टिक कर देना मेरे भाई, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच टाइप ऑफ इंप्योरिटी इज एडेड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो हम आपको बता चुके हैं भैया जो पी टाइप होता है उसमें 3 संयोजकता वाली इंप्योरिटी मिलाते हैं, एन टाइप में 5 संयोजकता वाली मिलाते हैं। तो ट्राईवेलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, पेंटावेलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा भाई, ठीक है। सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, भैया एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंपल सिंबल बताइए, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में एरो जो है भाई ऊपर की तरफ होगा, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर पूछे तो एरो नीचे की तरफ हो जाएगा। सभी को हम बता ही चुके हैं बेस टू एमीटर और एमीटर टू बेस, यही फर्क होता है करंट की डायरेक्शन में भाई, ठीक है। उसके बाद अगला है इन विच कन्फिग्रेशन वोल्टेज गेन इज हाई, यानी किस कन्फिग्रेशन में वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा होता है, तो आपको बता चुके हैं जो कॉमन एमीटर वाला सेक्शन होता है भैया, ठीक है। जब कॉमन एमीटर वाले को हम लोग कन्फिग्रेशन को पता करते हैं तो यहाँ पे पावर गेन भी बहुत ज्यादा होता है, वोल्टेज गेन भी ज्यादा होता है। तो वोल्टेज गेन पूछा है, अगर आपसे पूछे पावर गेन सबसे ज्यादा किसमें होता है तब भी आप बताओगे कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज हैज द हाइएस्ट इनपुट इंपीडेंस, कौन सा डिवाइस है जिसका इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है, तो MOSFET का इनपुट इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है। इज द डिवाइस हैविंग आई इनपुट एंड एन आउटपुट्स, यानी कौन सा डिवाइस है जिसमें आई इनपुट और एन आउटपुट्स होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर, क्या कहते हैं डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, तो SCR, ठीक है, SCR इज बाई डायरेक्शनल डिवाइस, SCR बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये पूरा पेपर है मेरे भाई आया हुआ, ये लगभग इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं सीरीज के अंदर, यहाँ पर आपको इसलिए करा रहे ताकि किसी यूनिवर्सिटी का पेपर मान लिया आया वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे देखोगे तो शायद आपके में भी रिपीट हो जाए तो आपके काम में आ जाएंगे। वॉट आर द वर्किंग रीजन ऑफ यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है उसका वर्किंग रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, तो निगेटिव रेजिस्टेंस वाला जो रीजन होता है वो भैया वर्किंग रीजन होता है किसका, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट JFET, JFET के बारे में क्या क्या गलत है भैया, तो JFET हैड, यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट में सही कर लेना इसे, इट हैज़ अ निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, यानी इसका जो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है वह निगेटिव नहीं होता है, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। UJT नामी है भैया यूनी डायरेक्शनल जंक्शन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है, यानी इसमें सिंगल एक जंक्शन होगा जिसे हम लोग कहेंगे 1PN जंक्शन, यानी यूनी, यू फॉर यूनी जंक्शन, यानी सिंगल होगा ना। उसके बाद SCR इज टर्न ऑफ, जो SCR होता है भैया वो कब टर्न ऑफ हो जाता है, व्हेन द एनोड करंट इज, यानी जो एनोड करंट है जब वो बिलो द होल्डिंग करंट होती है, यानी जब एनोड करंट की जो वैल्यू है होल्डिंग करंट से कम होती है, तब हम लोग कहते हैं कि SCR जो है वो टर्न ऑफ हो गया, बंद हो गया भाई।
द डिजिटल सिस्टम ऑपरेट्स ऑन, जो डिजिटल सिस्टम है किस पे ऑपरेट होता है आपको बता चुके हैं, बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम का बेस 2 होता है, 0 और 1, दो की ही हम लोग बात करते हैं। तो जितने भी डिजिटल सिस्टम है वो बाइनरी सिस्टम पे ऑपरेट होते हैं। द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर ऑफ, ये देखो बाइनरी सिस्टम का जो बेस है वो कितना होता है, 2 होता है, तो पोजिशनल वैल्यू 2 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी सम, अब यहां पे देखिए सम ये तो काफी आसान आया हुआ था, अभी आगे और भी सम आएंगे तो आप उन्हें भी देख सकते हो। एक दे रखा था 1 1 0 1, एक दे रखा था 0 0 1 0, तो भैया 1 0 1 होता है, जोड़ते हैं जब, 0 1 1 होता है, 1 0 1 1 0 1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 बना जाएगा जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। तो एक ही आया हुआ था जोड़ने के लिए, ये तरीका है। उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 1 0 1, भैया गुणा करनी है। देखो गुणा नॉर्मल अगर हम आपसे कहें तो भैया डायरेक्ट भी हम लोग 1 की 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 की 0 से कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको थोड़ा सा कठिन पड़ेगा अगर थोड़ा सा बड़ा आ गया तो। आप क्या करना, आप मेरे भाई से कन्वर्ट कर लेना डेसीमल में, हमने आपको डेसीमल में कन्वर्ट करना सिखा रखा है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, मान लिया 1 1 0 1 है, ठीक है, सबके नीचे 2 लिख देते हैं, पीछे से पावर लगाते हैं 0 1 2 3, 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा मेरे भाई, किसी की पावर 0 होती तो वैल्यू आती है। 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 8 हो गया, 8 4 12 और 1 13 आ गया भाई, ठीक है। ऐसे ही इसे कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा भैया, 9 आ जाएगा, ठीक है। 13 नीमा कितना होता है, 117 होता है, तो यानी इन दोनों की गुणा 117 है। फिर 117 को हम लोग फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता चुका, 2 से भाग देते हैं, अगर पूरा कट जाता है तो 0 लिख देते हैं, यहां पे पूरा नहीं कट रहा 117 है तो 1 लिख देते हैं, सारे लिखने के बाद जो आखिरी का 1 बचता है उसे भी उतार देते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं 1 1 1 0 1 0 1, ये देखो 1 1 1 0 1 0 1, यहां पे छूट गया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 1 1 1, नीचे के तीनों 1 आ गए, उसका 0 1, इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है भाई, ठीक है। 2s कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है 1 0 0 0 के लिए। 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले 1s कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा कर देते हैं भैया, जहां पे 1 है वहां 0 लिख दिया, जहां 0 है वहां पे 1 लिख दिया, ये इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना तो एक जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे सर जी, देखो भैया बताते हैं, जोड़ दिया सर जी हमने, क्या करा बताओ, 1 1, अब 1 और 1 2 नहीं होएगा यहां पे भैया, 1 और 1 10 होगा, सरल भाषा में बताया। कुछ लोग कहेंगे सर जी 10 क्या बता रहे हो यार, 10 नहीं होगा, वो सरल भाषा में बताते हैं, बाइनरी में 2 ही अंक चलते हैं, या तो 1 चलेगा या 0 चलेगा, तो भैया 1 1 होगा 0 और हासिल आएगा 1, यानी कैरी आएगा 1, ठीक है। तो 1 1 कितना हो गया 0, कैरी कितना आ गया 1, फिर 1 और 1 कितना हो गया 0, फिर कैरी कितना आ गया 1, 1 और 1 कितना हो गया 0, कैरी कितना आ गया 1, और 1 0 1 होता है भाई। तो इस तरीके से हम लोग इसे जोड़ते हैं, 1 हमने जोड़ दिया, यानी जो भी था उसका उल्टा कर, 1 का 0 0 का 1, तो ये हो गया 1s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जब इसमें 1 हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से निकालते हैं। द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस अ पीएन जंक्शन कोरेस्पोंडिंग टू, यानी जो पोटेंशियल बैरियर होता है किसी पीएन जंक्शन के लिए, हाइट ऑफ द बैरियर, यानी जो उसकी हाइट होती है उसके कोरेस्पॉन्डिंगली या कोरेस्पॉन्ड करता है भाई, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो बाई स्टेबल डिवाइस होते हैं, बाई का मतलब डबल चलेगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से चलेगा। तो जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो बाई स्टेबल डिवाइस होते हैं। इन अ फ्लिप फ्लॉप डी स्टैंड, यानी डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है उसमें डी मतलब क्या होता है, डी फॉर डेटा होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल का मतलब एक सिक्वेंस में चला, 0 1 0 1 0 1, तो ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। इन डिजिटल लॉजिक अ काउंटर इज अ डिवाइस विच, यानी डिजिटल लॉजिक में काउंटर क्या होता है, तो काउंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, जो किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है वो होता है मेरे भाई काउंटर। अब मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड, मल्टीप्लेक्सर को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो MUX, ठीक है, इसे मल्टीप्लेक्सर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेम द फॉलोइंग फिगर, यहां पर एक फिगर आपको दे रखा है जिसमें एक सिंगल इनपुट है जो कन्वर्ट हो गया है 2 आउटपुट्स में, ये डी मल्टीप्लेक्सर है भाई, ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर का यहां पर फिगर बना हुआ है। उसके बाद व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप में SR है, जैसे डी फॉर डेटा था वैसे SR का क्या मतलब है, तो सेट रीसेट है, इसका मतलब क्या है, सेट रीसेट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जो प्राइमरी फंक्शन होता है फ्लिप फ्लॉप का वो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप जो थोड़ा सा मुंह में फंस रहा है, टंग ट्विस्टर है भाई, बोल के देखना, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप, मेमोरी स्टोरेज के लिए इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो होता है। रैम क्या है, तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, आपको सभी को पता होगा,
रैम और रोम क्या होता है? एक होती है रैम, रैंडम एसेस मेमोरी, एक होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। मेरे भाई ठीक है, रीड ओनली मेमोरी क्या है? जो डेटा सेव हो गया, जो डेटा सेव हो गया वो रीड ओनली मेमोरी। जैसे मेरे फोन की मान लिया रैम जो है वो 3 GB है या 4 GB, जैसे इस वाले फोन की 12 GB रैम है जिससे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो 12 GB का मतलब जिस समय ये ऑपरेट हो रहा है, फोन हैंग ना करे, अच्छे से चले, ये रैम का काम है। रोम का काम क्या है? इसमें मान लिया कितना, शायद 512 GB या फिर 256 GB कुछ इसमें है। तो मेरे भाई इसका काम क्या, इतना डेटा हम इसमें सेव कर सकते हैं, जैसे रीड ऑनली कर सकते हैं भैया, तो रोम कहते हैं उसे। तो रैम क्या होती है? एक वोलेटाइल मेमोरी होती है या फिर स्टेटिक या डायनेमिक मेमोरी होती है। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज हाई। नाउ जो नॉट गेट होता है उसका आउटपुट जो है वो हाई नहीं होता, हाई होता है कब? जब उसका इनपुट कम होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा, भाई सीधी सी बात है। अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1+β इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है भाई, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड मतलब था मिक्स, गैया गैया मत कहो यार, ठीक है, किसी धर्म से कनेक्ट मत करो, लेकिन हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब चीज़ें मिक्स कर देते हैं, जैसे सरल भाषा में जैसे संकर कहा करते थे ना, एक लाल फूल है एक पीला फूल है, ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन कराया, नया कलर बना मेरे भाई, गुलाबी कलर बन गया हमारे, ठीक। तो हाइब्रिड का मतलब जहां से एक से ज्यादा लक्षण जहां पे दिखाई देंगे। आज जेफिड हैज 3 टर्मिनल, बता चुके हैं आपको, सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है। जेफिड में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन एमंग जेफिड पैरामीटर, जब जेफिड के पैरामीटर होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है? तो म्यू बराबर RD इंटू GFS होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंबल ऑफ एन चैनल जेफिड? ये देखो भैया इस तरीके से बना हुआ है, ये क्या है? ये एन चैनल जेफेड है भैया, ये गेट है, ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ड्रेन है, ये क्या है? सोर्स है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एन चैनल जेफेड का सिंबल है भाई, ठीक है। अब मॉसफेट डिफर्स फ्रॉम जेफेड, मॉसफेट और जेफेड में क्या फर्क होता है? तो द जेफेड हैज अ पीएन जंक्शन, जेफेड में एक पीएन जंक्शन पाया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 10 नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3, 9 तक गिन लो और ABCDEF तक गिन लो, तो 6 अल्फाबेट्स होते हैं, 10 नंबर होते हैं किसमें? हेक्साडेसिमल नंबर में। इन पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम लॉजिक स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस टू, यानी जो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम होता है उसमें जो लॉजिक स्टेट होती है वो किससे दिखती है? तो हाई वोल्टेज लेवल को दिखाती है भाई, ठीक है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 75 का भैया बाइनरी में कन्वर्ट करने को पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था, पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं कि भैया क्या करो, ऐसे करके लिख लो और 2 से भाग देते चले जाओ। अगर पूरा कट रहा है, जैसे यहाँ पे पूरा नहीं कटेगा, 2, 3, 6 आ गया, एक बेटा 2, 7, 14 आ गया, तो यहाँ पे कितना लिख लोगे? 1 लिख लोगे। ऐसे लिखते चले जाओ, आखिरी का जो 1 बचे उसे भी उतार दो, नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेते हैं और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इसे भैया बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका भी तरीका बता चुके हैं, सबके नीचे 2, 2, 2 लिख दो, इधर से पावर लिखते चले जाओ, 0 वाले तो कैंसिल हो ही जाएंगे, सबको जोड़ दो, मान निकल आएगा, ये सिखा चुके हैं। सीरीज अगर आपने देखी है तो आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैव ओनली सिंगल इनपुट, कौन सा जो गेट होता है उसमें सिंगल इनपुट होता है? तो नॉट गेट होता है भाई, ठीक है। विच वन इज द यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल मतलब जिनसे बाकी गेट मिल सकते हैं, तो नॉर गेट है, नैंड गेट है, ये यूनिवर्सल गेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गेट्स आर यूज्ड एज पैरिटी चेकर, आपको 5th सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें पता होगा पैरिटी हमने आपको पढ़ा रखा था, तो जो पैरिटी चेकर होता है किसका इस्तेमाल करते हैं? तो XOR, XNOR इन गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, एक गेट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखो दो गेटों का मिक्सचर है, ये जो गेट आपको दिख रहा है ये नैंड गेट है भैया, ठीक है। नॉट गेट, बहुत सारी चीज़ें होती है, नॉट गेट है, एंड गेट है, और गेट है, इन्हीं को मिलाते रहते हैं, कभी नैंड बना दिया, कभी नॉर बना दिया, दो गेट मिलेंगे तो बन जाएगा भाई, ठीक है। इन हाफ एडर, जो हाफ एडर होता है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स कितने होते हैं? तो हाफ एडर में 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। व्हाट विल बी द आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, और गेट और नॉट गेट जब मिलेगा इनपुट अगर ए बी है तो क्या बनेगा? तो पहले तो भैया जब दोनों को मिलाएंगे तो ए प्लस बी बनेगा, फिर उसके ऊपर बार आ जाएगा तो ए प्लस बी बार बन जाएगा। ए का मान 1 है, बी का मान 0 है, तब ए प्लस बी बार का मान क्या होगा भाई, ठीक है। तो सरल भाषा में कहें तो ए का मान कितना है? 1 ही है, बी बार है, बार का मतलब क्या हो गया सरल भाषा में? 0 का बार क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा? बूलियन अलजेब्रा में 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है? प्लस की जगह भैया इस तरीके का डॉट वाला या मल्टीप्लाई चिन्ह लगाएंगे, ऊपर का बार अलग अलग कर देंगे, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। फुल एडर में कितनी बिट्स होती हैं? तो 3 बिट्स होती हैं।
हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लेक्सर्स है, मल्टीप्लेक्सर्स में कितने इनपुट होते हैं, तो 2n होते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, लगभग 50 के करीब क्वेश्चंस हमने इसमें कवर करे हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी आखिरी में 48 दिख रहे हैं, 48 नहीं है, बाकी पेजेस पे ऊपर की तरफ 49-50 लिखा हुआ, ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई, ठीक है। जिन लोगों का पेपर है हम तो यही कहेंगे भाई देखो एक चीज याद रखो, जैसे गेट है उसमें हमें अलग से एक वीडियो बना देंगे, एक चीज याद रखो अगर आपके पास मॉडल पेपर है जितना ज्यादा मॉडल पेपर से पढ़ सकते हो पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा भाई, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके काम में आएगा। बाकी जितना हम कॉन्टेंट दे रहे हैं उसे देखो, सारी PDF को मेरे भाई ध्यान से देखो, सारी वीडियो सीरीज की देख डालो जाके, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज के पेपर हो चुके हैं केवल MJP RU को टारगेट कर रहे हैं, तो जो भी बच्चे हैं भाई सीधी सी बात है मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छे से कर पाओगे। इसकी PDF टेलीग्राम BDKD & BSC अपना फ्री चैनल है वहां पर भी मिल जाती है, तो चाहो तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लेना BDKD & BSC, वहां पर भी मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।